उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने भ्रष्टाचार के 4 अलग अलग मामलों में 5 आरोपी अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। इनमें देहरादून के चर्चित कोचर कॉलोनी भ्रष्टाचार मामले में विजिलेंस की जांच के बाद 2 लेखपालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे दी गई है, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उप महाप्रबंधक के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में प्री मानसून शावर तेज हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जहां एक तरफ सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा में एनएच के अधिकारी सीएम के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध चितई मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से अतिक्रमण की जद में है। इससे पहले तत्कालीन डीएम वंदना के निर्देश के बाद एनएच में 18 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी थमा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। धार्मिक और पर्यटन नगरी जोशीमठ के पास बन रहे हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोशीमठ में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरा जोशीमठ बाजार बंद रहा। वहीं जोशीमठ में जुलूस प्रदर्शन के बाद सैकड़ों की तादाद में व्यापारी आनीमठ पहुंचे, जहां पर सीआईएसएफ और पुलिस ने आंदोलनकारियों को सीआईएसएफ गेट से अंदर नहीं घुसने दिया, जिस पर व्यापारियों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की देखने को मिली। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए ब्राजील से 3 प्रतिनिधिमंडल शनिवार सुबह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनका स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं से ढोल दमाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ के दिचली पट्टी के गोरुन गांव में एक गुलदार खुलेआम घूमता नजर आया। वही गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले ही एक आदमखोर गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बनाया था। हालांकि उस गुलदार को पकड़ने में वन विभाग को कामयाबी मिली थी, लेकिन एक बार फिर गुलदार दिखने से गाँव में दहशत का माहौल है। रुड़की के बेलड़ा ग्राम में हुए बवाल मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का गांव में पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी बीच हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता बेलड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों पक्षों के पीड़ित परिवारों से घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों के संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की। बीते दिन पीएमओ की टीम बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन करने के बाद देहरादून लौटी। इस दौरान उनके साथ पीएमओ टीम के सलाहकार अमित खरे और उप सचिव मंगेश गिलड़ियाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में देहरादून में राज्य रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में ट्रेनों पर पत्थरबाजी और ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाओं समेत 10 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस बीच आज गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर अंतर्राज्यीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के जिलों से अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर चर्चा की गई।